चलिए हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणवीर और आप देख रहे हैं देसी इंग्लिश सर। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, आप लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा न्यू टॉपिक है, यानी कि आज मैं आपको न्यू चैप्टर से रूबरू करवाने वाला हूँ। और आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है उसका नाम है प्रेपोजिशन, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और रूट वर्ड, जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक दिन में तीन टॉपिक को कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वोकैब कवर करवाता हूँ और वोकैब में मुझे रूट वर्ड पे हमारा वोकैब का सेशन चलता है, ठीक है। और वोकैब के साथ साथ जो हमारा सेशन होता है वो होता है ग्रामर का। उसके बाद मैं कलोकेशन पढ़ाता हूँ, यानी कि कौन से वर्ड के साथ किसका यूज किया जाता है, ठीक है। पिछले बार जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने थोड़ा ज़्यादा कलोकेशन करवा दिया था, लेकिन अब मैं आपको एक दिन में अच्छे कलोकेशन ही करवाऊँ। सबसे पहले आज मैं आपको लेक्चर टू करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हो, या फिर मैं आपको बता दूं कि एक दिन में मैं तीन लेक्चर कंप्लीट करवाता हूं, ठीक है। पहला लेक्चर में हम आपको रूट वर्ड करवाते हैं, यानी सिर्फ रूट वर्ड आपको समझाते हैं, ठीक है। उसको कनेक्ट करने की प्रयास अगला दिन करते हैं। अगला दिन उसी रूट वर्ड की सहायता से हम लोग वर्ड तैयार करते हैं, यानी सिनो और एंटो को तैयार करते हैं। और उसके तीसरा दिन उसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, यानी कि हम उसका मुख्य रूप से OWS पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों को एक शब्द। इस तरह से हम लोग वर्ड को तीन लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। तो फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग जितने भी लोग हैं, और पड़ोसियों को बोल दीजिए, पड़ोसियों को लाइव आने के लिए। हमारा जो आज लेक्चर टू का जो पहला वर्ड है वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। लेक्चर टू, एरोग्राफी, एरो AERO, एरोग्राफी GRAPHY, ए बाबू अब समझना। यहाँ पे समझ में आया कि सर एरो का मतलब क्या होगा, ग्राफ का मतलब क्या होगा। ए बाबू, एरो का मतलब होता है एयर, और जहाँ एयर है वहीं क्या है बाबू, इन्वायरमेंट। क्या है बाबू, एयर। और जहाँ एयर है वहीं क्या है बाबू, इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। ए बाबू, ग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू, स्टडी। ग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू, स्टडी। यानी कि क्या, सबसे पहला चीज, हम किसी वर्ड को तीन बार करवाते हैं। पहला बार में हिंदी, दूसरा बार में सिनो, और तीसरा बार में एंटो करवाते हैं। लेकिन अगर हम आपको तीन चीज में, अगर हम आपको एक चीज बताएं, तो दो चीज आप प्रयास करिए कि आप खुद लिखें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सिर्फ समझाना चाहते हैं, बाकी कुछ काम आप खुद करिए। क्योंकि जितना आप सेल्फ काम कोई करिएगा उतना ज्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ एयर, यानी कि वातावरण का अध्ययन। किसका अध्ययन, वातावरण का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन, हवा का अध्ययन, यानी कि किसका अध्ययन, वातावरण का अध्ययन। मैं हिंदी बता दी, यानी कि सिनो और एंटो, इस बार आपको खुद नोट करना है, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है। जिस वर्ड के अंत में ग्राफी लगा हुआ रहे सामान्यता वो नाउन होता है। तो अगर देखने की प्रयास करे बाबू, तो ये अपने आप में नाउन है, ठीक है ना बाबू, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे। अगला वर्ड है एग्राफिया, AGRAPHY, ए बाबू। अब इसको हिंदी, उसके बाद सिनो, उसके बाद एंटो। ए या एन का मतलब बाबू नॉट होता है ना। ए या एन का मतलब नॉट होता है, विदाउट होता है, या फिर अनेबल होता है, या फिर क्या होता है, अनेबल होता है, अनएबल, अनेबल, ठीक है ना बाबू। ग्राफिया का मतलब क्या होता है सर, ग्राफ का मतलब जो होता है ना सर, वो होता है राइटिंग। क्या होता है सर, राइटिंग, है ना। जिस वर्ड के अंत में आई ए लगा हुआ रहे सामान्यता वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ए बाबू राइट कर, राइट नहीं करेगा, है ना। राइट करने में वो क्या है, अनेबल है। नॉट या कैनॉट भी होता है, ठीक है, जो राइट नहीं कर सकता है, जो राइट करने में क्या हो, नहीं हो, ठीक है ना, जो एबल नहीं हो, डेट इज अनेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। उसको हम बोलेंगे जो लिखने में सक्षम ना हो, जो लिखने में, जो लिखने में सक्षम ना हो, जो लिखने में सक्षम ना हो। ए बाबू बहुत बढ़िया आएगा, गारंटी हम कह रहे हैं। बाकी दो चीज आप खुद करिए बाबू, कुछ आपको हम जानबूझकर देते हैं कि कुछ चीजें आप खुद करें। सिनोनिम्स डिक्शनरी की सहायता से लिखे, एंटो लिखिए, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने की प्रयास करूंगा, आपको कुछ चीजें खुद करना, क्योंकि जितना खुद करिएगा उतना आप में, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। डिक्शनरी निकालिए और पकड़ के लिख दीजिए, ठीक है ना, आपको फायदा करेगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ए बाबू आप जानते हो ना ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बोलिए हाँ या ना बताइए, पता है बाबू।
यहाँ पे हिंदी दूसरा वर्म में सिनो और तीसरा वर्म में एंटो। ऑटो का मतलब क्या होता है सर? ऑटो रहे, ऑटा रहे या ऑट रहे, सब का मतलब सेल्फ होता है। हाँ बाबू होता है ना। अब बायो का मतलब क्या होता है सर? बायो का मतलब तो लाइफ होता है। आपने तो बोला था, हमने बोला कि हाँ बाबू मैंने बोला था। ग्राफी का मतलब क्या होता है सर? ग्राफी का मतलब रिटेन होता है, रिटेन है ना। जिस वर्ड के अंत में ग्राफी आ जाए ना सर, वो नाउन होता है। ए सर अब बताइए, माने सेल्फ लाइफ रिटेन, इसका मतलब क्या हुआ? खुद की जीवन के बारे में लिखना है ना, लिखना, दैट इज कॉल्ड क्या? इसको हम क्या कह सकते हैं जल्दी बोलिए, इसको हम क्या कह सकते हैं जल्दी बोलिए? खुद के जिंदगी के बारे में लिखना, इसको हम कहेंगे आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा माने खुद की कथा, ठीक है ना, कहानी समझ में आ रहा ना। या फिर स्वयं लिखा हुआ जीवन वृतांत, स्वयं लिखा हुआ जीवन वृतांत, स्वयं लिखा हुआ, स्वयं लिखा हुआ, लिखा हुआ जीवन वृतांत, वृतांत बा माफ करना, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, मुझे छोटा बोर्ड में ही पढ़ाना होता है, ठीक है, इसलिए मुझे मजबूरन बार बार मिटाना पड़ता है। बाबू आपको जैसे ही मौका मिले आप वैसे ही नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए जिनको आज वर्ड नहीं समझ में आ रहा है वो एक दिन पहले वाला वर्ड देख लें, क्योंकि लेक्चर 2 चल रहा है सीधा सीधी, ठीक है। अगला वर्ड है ऑटोग्राफ। क्या है बाबू? ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी। अगला वर्ड है ऑटोग्राफ। सर आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। मान लीजिए यहाँ पे सन्नी देओल आ गया, सलमान खान आ गए, तो आप क्या कहिएगा? सर अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो आप क्या करिएगा? तुरंत आप एक कॉपी लीजिएगा, उनका तुरंत साइन ले लीजिएगा। कि ऑटोग्राफ में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का आप साइन लेते हैं, ठीक है ना। बाबू ऑटो का मतलब क्या होता है बाबू? सेल्फ होता है बहुआ, ठीक है ना। ग्राफ का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए, कम ऑन। ग्राफ का मतलब क्या होता है? रिटेन होता है। क्या होता है? रिटेन है ना। ग्राफी जिस वर्ड के अंत में आया हुआ नाउन, हिंदी सिनो एंटो, खुद लिखिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा बाबू? इसका मतलब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑटोग्राफ का मतलब होता है रिटेन और मेड विथ वंस ओन हैंड एज ए सिग्नेचर, मतलब अपना सिग्नेचर करना, ठीक है ना, अपना साइन करना। गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, ठीक है, या फिर इसी को इंस्क्राइब भी, सॉरी हिंदी खुद लिखिएगा, इंस्क्राइब, INSCRIB, ठीक है ना, इंस्क्राइब, समझ में आ रहा है? INSCRIB, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसी को जॉन हैंकोर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सीनो हिंदी समझ में आया। ऑटोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी का आप ऑटोग्राफ लेते हो ना, माने किसी व्यक्ति का साइन लेना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का क्या लेना, किसी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आप साइन लेना, ठीक है। पहले प्लीज आप लोग 4 वर्ड को लिखिए, उसके बाद मैं आपको और भी वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। और फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, बहुत ही कम लोग अभी लाइव आए हैं और उसका क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि मैं आज प्रिपोजिशन को ही पढ़ाऊँ, या फिर हो सकता है मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा दूँ। देखिए अगर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तो प्रॉमिस है कि आपको बेहद अच्छा लगेगा, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, मतलब जो भी होगा प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल की कहीं कोई जगह नहीं है। अब तक 8 मिनट हो चुके हैं और अभी तक एक ही लोग लाइव आए हैं, फटाफट लाइव आ जाइए बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आता है दोस्त, ठीक है। चले एक बार मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बेहद अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एरोग्राफी का मतलब क्या होता है सर? एरो का मतलब एयर होता है, ग्राफी का मतलब स्टडी होता है, यानी कि हवा का अध्ययन। हवा कहने का मतलब हुआ सर कि वातावरण का अध्ययन, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना दोस्त। चले अग्राफिया, ए का मतलब नॉट होता है सर, कैनोट होता है या फिर अनेबल होता है। ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, मैंने जो राइट करने में अनेबल हो, जो राइट कैनोट, जो राइट नहीं कर सकता हो, डैट इज कॉल्ड जो लिखने में सक्षम ना हो, ठीक है, डैट इज कॉल्ड अग्राफिया, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है इतने? हाँ चाहे ना बोलना, मेरा रिविजन करवाना फर्ज है, मैं करो। ऑटोबायोग्राफी सर, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है सर, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब रिटेन होता है। ग्राफ कॉपी पे आप लिखते हो ना मेरे दोस्त? ग्राफ कॉपी पे आप क्या करते हो? लिखते हो है ना, ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ? सेल्फ माने खुद की जीवन के बारे में लिखना है ना, मैंने खुद की जीवन के बारे में लिखना, डेट इज योर आत्मकथा है ना, उसको स्वयं के द्वारा लिखा हुआ क्या? जीवनी, स्वयं के द्वारा लिखा हुआ जीवन वृतांत, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला, ऑटोग्राफी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ऑटो माने सेल्फ, ऑटोग्राफ किसी का लेते हैं ना, डेट इज कॉल्ड ऑटोग्राफी, ठीक है, माने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का साइन लेना, जिसको हम इंस्क्राइब भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बहुत अच्छे से वर्ड समझ में आएगा, ये हम प्रॉमिस हम आपको करते हैं, ठीक है, वर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए जो भी चीज़ पढ़ाएंगे लेट से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन गारंटी है कि बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है?
कुछ लोगों का शिकायत था कि सर आपने जो वो टॉपिक पढ़ाया है वो कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर उसका साउंड क्लियर नहीं है। मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा देंगे, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू, लेकिन एक चीज बताते हैं, उसमें जो कंसेप्ट दिया हुआ बाबू वो बेहद तगड़ा दिया हुआ, मैंने बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक्स्ट्रा साउंड लगा लीजिए, ठीक है ना, अपने मोबाइल में, लैपी में, ठीक है ना, उसके बाद देखिए बहुत बेहतर उसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, और बाकी सब बढ़िया। ए बाबू, बैरोग्राफ समझ में आता है? बैरोग्राफ, हाँ सर, ये तो जीके में कम से कम बहुत बार रेलवे इसको पूछा है ना, हिंदी लिखूंगा, सिनो लिखूंगा, एंटो लिखूंगा, जवाब आपको देना है मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? सर बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होगा? BIBLIO, बिब्लियोग्राफी, GRAPHY, ठीक है बाबू, हिंदी लिखूंगा, सिनो लिखूंगा, यहाँ पे एंटो लिखूंगा, ठीक है, तीन चीजें मैं एक चीज लिखूंगा, दो चीज आपको लिखना। अगला बढ़े बाबू, बायोग्राफी सर, बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है बाबू? यहाँ बायोग्राफी, मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, यहाँ पे सिनो लिखूंगा, यहाँ पे एंटो लिखूंगा, बाकी तीन चीज, एक चीज मुझे लिखना और दो चीज आपको लिखना। सर कैकोग्राफी क्या होता है? कैकोग्राफी, GRAPHY। ए बाबू, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे सिनो, यहाँ पे एंटो, बाकी काम आप खुद करने के प्रयास करें, आपको बेहद अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको समझने की प्रयास करूँ बैरोग्राफ के, तो ए बाबू बार इसमें बर्ड आया हुआ है या बैरो, बार या बैरो खुद कोई दिक्कत नहीं, तो बैरो का मतलब ना सर होता है प्रेशर, क्या होता है? प्रेशर, PRESSURE, ऐसे बार का मतलब प्रेशर ही होता है, और ग्राफ का मतलब होता है सर रिकॉर्डिंग, ग्राफ का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग भी होता है, क्या होता है बाबू? रिकॉर्डिंग, यानी कि एक चीज समझ में आया, यानी कि दाब, देखिए समझिएगा, प्रेशर का प्रेशर, रिकॉर्डिंग माने जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग जहाँ पे करते हैं तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मापते हैं ना, यानी कि दाब मापी, क्या उसको कहिएगा? आप उसको कहिएगा दाब मापी, है ना, जिसे दाब मापते हैं, प्रेशर दाब मापी, है ना, हमारे जो इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण का जो प्रेशर मापने, अच्छा प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे कहते हैं बैरोग्राफ, दैट इज कॉल्ड प्रेशर को जो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना। अगला वर्ड है बाबू बिब्लियोग्राफी, अगर इसको समझने की प्रयास करें बाबू, तो बिब्लियो, तो बिब्लियो का मतलब सीधा सीधी हो जाता है बाबू बुक, क्या हो जाता है? बुक। ग्राफी का मतलब होता है बाबू राइटिंग, क्या होता है? राइटिंग, यानी बुक को लिखना, क्या करना, इसका मतलब हो जाएगा बुक को लिखना, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग बाय अनदर और सिंगल सब्जेक्ट, या फिर ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ एन ऑथर, इसको हम ग्रंथ सूची भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची, एकदम ठीक है ना, बिब्लियोग्राफी, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बायोग्राफी, ये सर तो बहुत बढ़िया, बायो का मतलब होता है लाइफ, किसी के जिंदगी की बात है सर, है ना, ग्राफी का मतलब होता है सर, ग्राफी का मतलब होता है रिटेन, माने किसी का जिंदगी लिखा हुआ, किसी का जिंदगी लिखा हुआ, माने किसी की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ सर, किसी के जिंदगी के बारे में जो लिखा होता है ना सर, उसको जीवनी कहते हैं, ठीक है। दो चीज होता है, अगर आप अपना बारे में, अपना अगर आप अपनी जीवनी खुद लिख रहे हैं, अपने बारे में खुद लिख रहे हैं, तो इसके पहले ऑटोबायोग्राफी लगा, ऑटो लग जाएगा, इट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफ। यदि आप खुद नहीं लिख रहे हैं, है ना, आपका जीवनी कोई और लिख रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफ, यानी आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी जिंदगी के रहस्यों को किसी और पर्सन के द्वारा लिखा जाना, ठीक है ना, कहानी समझ में आ रहा है? आपकी जिंदगी के बारे में किसी और व्यक्ति, आपकी जिंदगी को किसी और, आपकी जिंदगी के बारे में किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना, ठीक है, प्यार से सुनिए, ठीक है। मैं चलिए अगला जो वर्ड है बाबू कैकोग्राफी है, तो कैको का मतलब होता है बाबू, कैको का मतलब होता है बाबू बैड, क्या होता है? बैड होता है मेरे दोस्त, है ना। ग्राफी का मतलब होता है बाबू राइटिंग, क्या होता है? राइटिंग। ए बाबू, अब इसको समझने की प्रयास करिए बाबू, ठीक है ना, माने बैड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब हुआ ना बैड राइटिंग माने बैड हैंड राइटिंग, राइटिंग माने क्या? बैड हैंड राइटिंग मतलब अगर अच्छा हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? सुलेखन कहते हैं, है ना, तो अगर बुरा हैंड राइटिंग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे जल्दी बताइए, है ना, इसको, इसके उल्टा सुलेखन होता है। चलिए इसका, इसका अल्टो एंटो मैं बता, कैलीग्राफी इसका एंटो होता है, कैलीग्राफी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है ना, इसका उल्टा होता है बाबू, ठीक है ना, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, कैली का मतलब होता है बउआ ब्यूटीफुल, ग्राफी का मतलब रिटेन, ठीक है, इसका मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। मैं इसका डायरेक्ट मैं सिनोनिम्स लिख देता हूँ, बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, ठीक है बाबू, बैड हैंड राइटिंग का क्या हो जाएगा? कैलो, कैकोग्राफ, और गुड हैंड राइटिंग का क्या हो जाएगा? कैलीग्राफ, यानी सुलेखन, इसका हिंदी सुलेखन। मेरे दोस्तों पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जिनको आज का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज वो पिछला लेक्चर मेरा देख ले,
ठीक है, उनको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए, कम ऑन, टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है, अभी आपके सामने 8 वर्ड हुआ और उम्मीद है कि आपको 8 वर्ड बेहद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुस्कान, गुड मॉर्निंग बाबू, आपको बहुत सारा गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है ना बाबू, अच्छा से नोट करो। चलो बहुत अच्छा, और भी सब जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे समझने की प्रयास करिए, मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, बैरोग्राफ का मतलब क्या होता है सर? बैरो का मतलब होता है प्रेशर, है ना, बार का मतलब ही प्रेशर होता है, ग्राफ का मतलब रिकॉर्डिंग, यानी जहां पे दाब का रिकॉर्डिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दाब मापी। ठीक है ना, अगला बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो माने होता है बुक, ग्राफी माने रिटेन, है ना, माने लिखा हुआ बुक, दैट इज कॉल्ड ग्रंथ सूची। ठीक है ना, आरासन में बायोग्राफी, बायो माने लाइफ, ग्राफी माने रिटेन, माने माने जिंदगी के बारे में लिखा हुआ, जिंदगी के बारे में जो लिखा ना होता है वो होता है जीवनी। ठीक है ना, यदि आप अपनी जिंदगी के बारे में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, अगर आप खुद दूसरे की जिंदगी के बारे में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है, कैको का मतलब बैड, ग्राफी का मतलब राइटिंग। ठीक है ना, मतलब बैड हैंड राइटिंग, उसी का उल्टा होता है बाबू कैलीग्राफी, कैली का मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफी का मतलब राइटिंग, है ना, माने मतलब गुड हैंड राइटिंग। ठीक है बाबू, अगला जो वर्ड है बाबू तो वो तो कही अक्सर, ये तो करवाया हुआ, बहुत प्यारा सा वर्ड है बाबू, कैलीग्राफी। देखिए आ गया ना कैलीग्राफी, मैंने बोला था ना कि वर्ड जरूर आएगा। ठीक है बाबू, वर्ड जरूर आएगा, ठीक है ना कहीं मिल जाएगा कैलीग्राफी, रूट वर्ड से पढ़ने में यही फायदा है। ठीक है ना, कैलीग्राफी हमारा ग्रामर से ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है, हमारा वोकैब पे होता है। ठीक है ना, कैलीग्राफी के बाद है बाबू कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी GRAPHY। ए बाबू मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, सिनो लिखूंगा, यहाँ पे इसका एंटो लिखने की प्रयास करूंगा। तीन चीजें, एक चीज मैं लिखूंगा, दो चीज आपको देना है। कार्टोग्राफी के बाद है बाबू कायरोग्राफी, CHIRO कायरोग्राफी, GRAPHY। ए बाबू ठीक है ना, हिंदी लिखूंगा, सिनो, और यहाँ पे चलेगा इसका एंटो। ठीक है बाबू, अगला जो बाड़े बाबू कायरोग्राफी के बाद है बाबू कोरियोग्राफी। ठीक है ना, कोरियोग्राफी, CHORU कोरियोग्राफी, GRAPHY। दरअसल लेक्चर टू, कल भी लेक्चर टू ही चलेगा, क्योंकि लेक्चर टू में मुझे बहुत सारा वर्ड करवा, ग्राफ है, ग्राफी से बहुत सारा वर्ड बनता है बाबू। ठीक है ना, इसलिए मुझे अभी लेक्चर टू को अभी एक दिन एटलीस्ट और लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कल भी हम लोग लेक्चर टू को ही चलेंगे बाबू। तो प्लीज आप लोग इसका जवाब दीजिए बाबू, जैसे हम हमने आपको बताया कैली, है ना, कैली का मतलब क्या होता है बाबू? कैली का मतलब होता है बाबू ब्यूटीफुल, क्या होता है मेरे दोस्त? ब्यूटीफुल। देवी और सजनों समझ में आ रहा है? ग्राफी का मतलब होता है बाबू राइटिंग, क्या बाबू? राइटिंग। राइटिंग कहने का मतलब बाबू हैंड राइटिंग, जिस वर्ड के अंत में ग्राफी नामक वर्ड आया हुआ है ना, वो बेसिकली नाउन होता है, क्या होता है? नाउन। था कैलीग्राफी अपने आप में नाउन है। देखिए मैं आपको पहचान ही बता रहा हूँ कि सब के अंत में ग्राफ आया हुआ, सब के सब नाउन है। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा अच्छा राइटिंग, अच्छा राइटिंग का क्या कहिएगा? सुलेखन। क्या कहिएगा? सुलेखन, अच्छा राइटिंग, है ना, सुलेखन। ठीक है ना बाबू, यानी कि इसको सीधा आप कहिएगा गुड हैंड राइटिंग, क्या कहिएगा? गुड हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। अगर इसका एंटो लिखने की बात करें बाबू, तो इसका एंटो हो जाएगा कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, GRAPHY। बाबू समझ में आ रहा है कैसे रिलेट हो रहा है वर्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, कार्टोग्राफी का मतलब क्या होगा बाबू? ए बाबू इसका मतलब बहुत आसान है, कार्टो का मतलब सर मैप होता है, क्या होता है? कार्टो का मतलब मैप। ग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू? जल्दी बोलो सर। ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ भी करते हैं, है ना, अरे मैप पे ड्रॉ ही ना क्या हुआ रहता है, मैप को क्या लिखा हुआ रहता है, मैप को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब होगा सीधा सीधी मानचित्र कला, क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधी मानचित्र कला, है ना, मानचित्र कला, समझ में आ रहा ना? या फिर मानचित्र बनाना, सिंपली समझ लीजिए मानचित्र बनाना, मानचित्र बनाना इसका हिंदी हो जाएगा बाबू। इसको आप इंग्लिश में समझने की प्रयास करें बाबू, तो मैप मेकिंग, क्या बाबू? मैप मेकिंग। आप इसका एंटो ढूंढने के प्रयास करें, उम्मीद है कि बहुत सारा का एंटो मिलेगा ही नहीं, हालांकि डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगला बाढ़ है बाबू कायरोग्राफी। ये बाबू कायरो का मतलब क्या होता है बाबू? बाबू कायरो का मतलब बाबू हैंड होता है। ठीक है ना, और ग्राफी का मतलब बाबू होता है राइटिंग, ग्राफी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? राइटिंग होता है। ठीक है, राइटिंग, ठीक है, अब समझिएगा इसको। तो कायरोग्राफी का मतलब होगा हैंड राइटिंग। ए बाबू तो बड़ी बढ़िया, हैंड राइटिंग का मतलब क्या होगा जल्दी बताइए? हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है? हस्तकला कह दीजिए ना सर, हस्तकला या हस्तलेखन, इसको क्या कह सकते हैं? हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखने की कला, हस्तलेखन हो जाएगा, हाथ से लिखना, दैट इज कॉल्ड कायरोग्राफी। ठीक है ना, हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है? इसको हम कह सकते हैं द आर्ट या स्टाइल और स्किल ऑफ हैंड राइटिंग।
ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अगला कोरियोग्राफी। सर कोरियो का मतलब डांस होता है, कोरियो का मतलब क्या होता है? डांस। ठीक है ना, मूवीज वगैरह में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ग्राफी का मतलब बाबू होता है राइटिंग, क्या होता है? राइटिंग, यानी कि डांस के बारे में लिखना। डांस के बारे में लिखना माने क्या हुआ बताइए जल्दी? इसका मतलब हुआ बाबू डांस के बारे में लिखना, कहने का मतलब जो डांस कोई वो होता है ना बाबू, तो कौन मतलब कि कहाँ पे कौन सा स्टेज लिया जाएगा, ठीक है ना, स्टेज पे कौन कौन रहेगा, कौन कहाँ पे रहेगा, किसका क्या स्टेप होगा, उसके बारे में जो लिखा जाता है उसी को कहता है कोरियोग्राफी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्टेज डांसिंग, क्या कह सकते हैं? स्टेज डांसिंग, ठीक है ना, स्टेज डांसिंग। कहानी समझ में आ रहा है? यानी कि द आर्ट ऑफ अरेंजिंग डांसिंग मूवमेंट, डांसिंग मूवमेंट को सजाना, दैट इज कॉल्ड स्टेज डांसिंग, या अरेंजमेंट ऑफ डांसिंग, अरेंजमेंट ऑफ डांसिंग बाबू। तो बस आज का वर्ड यहीं तक, और भी वर्ड मेरे दोस्त चलेगा, लेकिन वो वर्ड कल चलेगा क्योंकि अभी बहुत सारा वर्ड है, ठीक है ना। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि मैं वर्ड करवा ही दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर टू और भी कल डिटेल में चलेगा। पहले प्लीज आप लोग यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं देखता हूँ अगर लोग अगर लाइव है, अगर आप लोग जितने भी लोग लाइव है ना मेरे दोस्त, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। जब तक लोग आएंगे नहीं, जब तक प्रीपोजिशन को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है लोग, तब तक मैं सिर्फ वोकैब को ही करवाते रहूंगा, ठीक है, जब तक लोग नहीं आएंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है? तो जल्दी आप लोग एटलीस्ट लाइव आ जाइए, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिएगा तभी हम ग्रामर को पढ़ाना शुरू करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे में वो कभी पढ़ाते रह जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, अभी तक आप लोग लाइव ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, इसलिए मैं अभी वर्ड को ही आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेक्चर टू में और ये वर्ड है जिसको कि मैं अभी ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है? एक बार समझने की प्रयास करें। कैलीग्राफी, सर कैली का मतलब ब्यूटीफुल होता है सर, जो कैली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, काला उसको मत पढ़िएगा। ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है सर, तो कैलीग्राफी का मतलब हो जाएगा सर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि सुलेखन, जिसका हैंड राइटिंग बहुत ही बढ़िया हो। अगर इसका एंटो समझने की प्रयास करें सर, तो इसका एंटो जो होगा सर कैकोग्राफी होगा, ठीक है बाबू। कार्टोग्राफी, अगला वर्ड आपको दिख रहा है? कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी आपको दिख रहा है? तो सर कार्टो का मतलब मैप होता है, ग्राफी का मतलब ड्राइंग होता है सर, यानी कि मानचित्र कला हो जाएगा, यानी मानचित्र बनाना हो जाएगा, यानी कि मैप मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। मैप को हम लोग ड्रॉ करते हैं बाबू, केयर करिएगा, मैप को ड्रॉ किया जाता है। कायरोग्राफी का मतलब क्या होगा सर? कायरो का मतलब हैंड होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, मतलब हैंड राइटिंग हो जाएगा सर, हस्तकला या हस्तलेखन, ठीक है बाबू। कोरियोग्राफी का मतलब क्या होगा सर? कोरियो का मतलब डांस होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, ठीक है ना सर। यानी डांस के बारे में लिखते हैं ना सर, डांस के बारे में लिखा जाता है सर कि कहाँ पे कौन सा स्टेज स्टेप होगा, ठीक है ना, मतलब अरेंजमेंट ऑफ डांसिंग, अरेंजमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? डांस, इसी को हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डांस, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ डांस, ठीक है ना, कि डांस जो होगा बाबू उसका अरेंजमेंट किया जाता है कि कहाँ पे कौन सा रहेगा, कौन सा स्टेज स्टेप कब लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मीनिंग बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और रियल में आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। हम और भी धीरे धीरे वो करते जा रहे, सुधारते जा रहे, ठीक है। यदि हमसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, ठीक है। अगला वर्ड, अगला जो वर्ड है बाबू वह है क्रोनोग्राफ। क्या है बाबू? क्रोनोग्राफ, क्रोनोग्राफ समझने की प्रयास करें। CHRONO, क्रोनोग्राफ, GRAPH बाबू, हिंदी सीनो अंटो, ठीक है बाबू। अगला जो वर्ड है बाबू क्रोनोग्राफ के बाद है कॉस्मोग्राफ, COSMO, कॉस्मोग्राफ, GRAPH। यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, सीनो लिखूंगा, एंटो लिखूंगा, ठीक है बाबू। कॉस्मोग्राफ, कॉस्मोग्राफी, ग्राफी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ ग्राफी, ठीक है ना। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, CRYPTO, क्रिप्टोग्राफी, GRAPHY। देखिए बाबू हिंदी सीनो अंटो, बाकी दो खुद करिएगा, मुझे एक ही चीज बताना मेरा काम है, ठीक है ना। अगला है डक्टाइलोग्राफी, DACTYLOGRAPHY। शुरू शुरू चार वर्ड हिंदी सीनो अंटो, बस अभी हम आपको मुख्य रूप से इतना वर्ड करवा रहे हैं, ठीक है, अभी और भी वर्ड करवाएंगे, ऐसा नहीं कि हमारा इतना ही वर्ड होगा, ठीक है बाबू। अगर इसको समझने की प्रयास करें बाबू क्रोनोग्राफ, तो सर क्रोनो, क्रोनो का मतलब जो होता है ना सर, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, क्या होता है? टाइम होता है। ग्राफ का मतलब आपने तो बोला है ना सर कि रिकॉर्डिंग भी होता है, क्या होता है बाबू? रिकॉर्डिंग, यानी टाइम को रिकॉर्डिंग, टाइम का क्या करना? रिकॉर्डिंग करना, यानी कि समय मापक यंत्र, क्या हो जाएगा बाबू? समय मापक, समय मापक
यंत्र, कोई समय मापक यंत्र होगा उसी के बारे में बाबू चर्चा किया जा रहा है। डेट इज कॉल्ड क्रोनोग्राफ। बाबू इसका हिंदी खुद लिखने की प्रयास करें। सॉरी, सिनोरेंटो यानी कि एन एक्यूरेट टाइमर फॉर रिकॉर्डिंग टाइम या एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। बहुत बढ़िया, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। ठीक है बाबू, अगला वर्ड है बाबू कॉस्मोग्राफी। क्या है बाबू जल्दी बोलना? कॉस्मोग्राफी, तो कॉस्मोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, कॉस्मोग्राफी। बाबू कॉस्मो का मतलब बाबू यूनिवर्स होता है, ठीक है ना बाबू? यूनिवर्स, कॉस्मो का मतलब बाबू यूनिवर्स होता है, ठीक है ना? ग्राफी का मतलब होता है बाबू साइंस। ग्राफी का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी, मतलब यूनिवर्स का स्टडी करना। यूनिवर्स का साइंस यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन, इसी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन या ब्रह्मांड विज्ञान अध्ययन या ब्रह्मांड विज्ञान, इसी को ब्रह्मांड विज्ञान भी कह सकते हैं बाबू, ठीक है ना? कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रिप्टोग्राफी, ये बाबू क्रिप्टो का मतलब होता है बाबू सेक्रेट। क्या बाबू? सेक्रेट का मतलब होता है गुप्त या रहस्य। तो क्रिप्टो से 2 मिनट के लिए आप ओ को मत करे, क्रिप्ट सेक्रेट, क्रिप्ट सेक्रेट, क्रिप्ट सेक्रेट। देखिए मिलता जुलता वर्ड मिल रहा है कि नहीं? ग्राफी का मतलब होता है बाबू साइंस। ग्राफी का मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, साइंस मतलब कि सेक्रेट साइंस। सेक्रेट साइंस कहने का मतलब क्या हो बाबू? सांकेतिक भाषा का अध्ययन बाबू, गुप्त भाषा का अध्ययन नहीं, यानी कि कहने का मतलब सांकेतिक भाषा का अध्ययन, सांकेतिक भाषा का अध्ययन। जैसे हम बता देते हैं कि जब कोई दो देश का राजदूत बात करते हैं बाबू, ठीक है ना, तो वो जो बात करते हैं बाबू संकेत में बात करते हैं बाबू, उसी का अध्ययन वगैरह हो गया, समझ रहे हैं ना? वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है? मैंने समझ में आ रहा है, जैसे रीजनिंग इसी में आ जाता है, रीजनिंग वगैरह जो है जो, ठीक है ना? अगर इसको समझने की प्रयास करें बाबू तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वो बहुत ही प्यारा सा वर्ड होगा, डेट इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी भी तो कह सकते हैं। क्रिप्टोलॉजी, एलोजी वर्ड, तो लॉजी का मतलब ही तो स्टडी होता है, ठीक है ना बाबू? एंटो इसका खुद लिखिएगा, ठीक है? कहानी समझ में आ रहा है? इसी को स्टेगनोग्राफी भी कह सकते हैं। STEGANO, 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 स्टेगनोग्राफी, GRAPHY, समझ में आ रहा है? स्टेगनोग्राफी, STEGANOGRAPHY, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। अगला डक्टाइलोग्राफी है ना बाबू, डक्टाइल, DACTYL। ओ, डक्टाइलो का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब फिंगर होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि अभी तक ये वर्ड एग्जामिनेशन में दिखने को नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि आ जाए, ठीक है ना? या फिर अगर आया होगा तो पता नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन ये वर्ड जो है अभी तक मुझे दिखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है आ जाए। बाकी तो सब आगे पीछे दिखने को मिल गया 17 तक के, ठीक है ना? ग्राफी का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? सर ग्राफी का मतलब होता है सर साइंस। ए बाबू फिंगर का साइंस, हाँ फिंगर कहने का मतलब हुआ ना बाबू फिंगर प्रिंट। फिंगर कहने का मतलब क्या हुआ? आपका अंगुली का कौन अध्ययन करेगा? आपका अंगुलिया से किसी को क्या लेने देना बाबू? कहने का मतलब हुआ बाबू फिंगर प्रिंट, फिंगर प्रिंट का अध्ययन, का अध्ययन, ठीक है बाबू? आप पहले प्लीज बाबू यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है? और अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि और साथ ही साथ आप लोग कमेंट इसलिए मैं आपको करने बोल रहा हूँ ताकि मैं नया चैप्टर को शुरू कर सकूँ। यदि आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे तो मुझे होकाया पढ़ाकर आज का क्लास को बंद करना होगा, ठीक है ना? हो सकता है 15 अगस्त तो लोग आज ही मनाने में कुछ लोग होंगे, ठीक है ना? अभ्यास, या फिर कुछ लोग संडे मनाने में लगे हुए होंगे इसीलिए, ठीक है ना? बाकी प्रीपोजिशन को थ्योरी से ही मैं शुरू करूँगा, ठीक है ना? उसको मैं थ्योरी से ही शुरू करूँगा, कोई प्रैक्टिस प्रैक्टिस बाद में होगा, लेकिन जो भी थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा वो थ्योरी समझ लीजिए, एक तरीके से वो प्रैक्टिस ही है, ठीक है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, मुख्य रूप से अप्लाइड इंग्लिश, ठीक है ना? तो बढ़िया सा पढ़िए सब, ठीक है? मैं देख लेता हूँ कि अभी कितने लोग लाइव आए हैं, क्योंकि क्लास जो हमारा है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चले स्वाति जी गुड मॉर्निंग, आपको बहुत सारा गुड मॉर्निंग। 4 लोग आए, एक बार 2 लोग लाइक का बटन दबा, एटलीस्ट 4ों लाइक का बटन दबा दीजिए। प्रिंस गुड मॉर्निंग बाबू, आपको बहुत सारा गुड मॉर्निंग, ठीक है? और एक लाइव आया मुस्कान, गुड मॉर्निंग, ठीक है? फटाफट आप, अच्छा 2 मिनट ऐसे हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है? समझ में आ रहा है हाँ या ना? मजा आ रहा है तो बोलो कि यस सर मजा आ रहा है, नहीं तो नहीं, ठीक है? चलिए जल्दी करिए, कम ऑन। स्वाति बउआ हम तो स्टार्ट किए हुए हैं ना, स्वाति जी हम तो वही तो पढ़ा रहे हैं, हम तो स्टार्ट किए हुए ही हैं, ठीक है ना? अरे हम तो इतना अच्छा सा वोकैब आपको पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट तो किए हुए ही हैं। अगला चैप्टर प्रीपोजिशन शुरू होगा,
ठीक है ए बाबू, क्रोनोग्राफ का मतलब प्रीपोजिशन हो सकता है कल शुरू करेंगे, ऐसा इसीलिए ना क्योंकि कल अनूज सर 12 से 1 आने वाले हैं, कल हमारा प्रीपोजिशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है आज नहीं, आज बर्ड पढ़ाकर बंद कर देंगे, ठीक है ना। और कल ओ डब्ल्यू एस है तो ओ डब्ल्यू एस में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में पूरा ओ डब्ल्यू एस हो जाता है इसीलिए, ठीक है ना। देखते हैं बाकी क्रोनोग्राफ। ए बाबू क्रोनो का मतलब सर टाइम, ग्राफ का मतलब रिकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पे टाइम का रिकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे टाइम का रिकॉर्डिंग होता है ना सर, उसको समय मापक यंत्र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, समय मापक यंत्र, ठीक है। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स, ग्राफी का मतलब साइंस, यानी कि सर ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड विज्ञान जिसको आप कह सकते हैं, हाँ बाबू कह सकते हैं, इसको कॉस्मोलॉजी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो। क्रिप्टोग्राफी सर, क्रिप्टो में सिर्फ ओ को 2 मिनट के लिए मत पढ़िए, क्रिप्ट को पढ़े, क्रिप्ट सेक्रेट, क्रिप्ट सेक्रेट, देखे मिलता जुलता बर्ड में मिल रहा है, क्रिप्ट सेक्रेट, क्रिप्ट सेक्रेट। ये ग्राफी का मतलब साइंस, यानी कि सेक्रेट चीजों का अध्ययन करना, ठीक है, कहानी समझ में आ रहा, गुप्त चीजों का अध्ययन करना, ठीक है, यानी कि गुप्त शब्दों के उसी के बारे में। डक्टाइलोग्राफी माने फिंगर, डक्टाइलो का मतलब फिंगर होता है, ग्राफी का मतलब साइंस, आपका फिंगर के अध्ययन चीज बताइए। कोई साइंटिस्ट को आपका अंगूठा से या फिर पांचों अंगुरिया से की लेना देना, कोई लेना देना नहीं, बाबू आपका फिंगर प्रिंट का अध्ययन करेगा, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, आगे समझने की प्रयास करिए। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, और उसका नाम है, हमने आपको पहले ही वर्ड करवा दिया था, ठीक है, डेमोग्राफी। 1 2 3 4 5 अगला वर्ड में थोड़ा सा ज्यादा वर्ड करवाने की प्रयास करूंगा, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमो डेमोग्राफी। आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए बाबू, डेमोग्राफी सिनोनिम, हिंदी सिनो अंटो, ठीक है ना, हिंदी सिनो और अंटो, ठीक है। अगला अगला है बाबू डिसग्राफिया, डी वाई एस है ना, GRAPHIA, ठीक है बाबू, हिंदी सिनो अंटो। अगला वर्ड है बाबू इसके बाद जो है लिखा हुआ है एपीग्राफ, एपीग्राफ ये वर्ड आया हुआ है बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में, एपीग्राफ, ए बाबू हिंदी सिनो अंटो, ठीक है बाबू। एपीग्राफ के बाद जो वर्ड है बाबू वह जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी, हिंदी सिनो अंटो, ठीक है बाबू। अगला जो वर्ड है बाबू वो है सिर्फ ग्राफ, तो बाबू प्लीज आप लोग यहाँ तक जवाब दे दीजिए, ठीक है ना, हिंदी सिनो अंटो, हालांकि अंतिम वाला वर्ड की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप लोग जल्दी करिए, ठीक है, आपको 1 मिनट का समय मिलता है, आप लोग आंसर कमेंट करिए फटाफट। चलिए टाइम ओवर हो गया, आप लोग आंसर कमेंट तो करते नहीं है, आप लोगों को आंसर एटलीस्ट कमेंट करना चाहिए, ठीक है। ओके मैं देख लेता हूँ, स्वाति प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा, स्वाति जी आज अगर स्टार्ट कर पाए ना तो किए, नहीं तो कल करेंगे, ठीक ना, कहा कि कल अनूज सर भी लाइव आने वाले हैं, देखते हैं, ठीक है ना, इतना ही तो बढ़ है, इसके बाद हो सकता है शुरू कर दें, ठीक है ना। लेकिन देखिए हम आपको प्रीपोजिशन बहुत मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोई नौटंकी नहीं, मतलब बिल्कुल नए अंदाज में, ठीक है, कहानी समझ में आ रहा, मतलब बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कहने का होता है इन का यूज, ऑन का यूज, हेट का यूज, वहाँ से भी हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आपको कुछ रहस्य बताएंगे, ठीक है ना, क्यों पढ़ना चाहिए, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अगर उसके बाद एक बार आएगा तो क्या होगा, 2 बार, ठीक है, इस तरीके से। तो डोंट वरी, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 लोग लाइव आ गए हैं, ठीक है, लाइक का बटन 2 लोग दबाएं, तो ऐसा मुझे लगता है कि 2 ही लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब समझने के प्रयास करिए, डेमोग्राफी वर्ड में मजा आ रहा है, देखो मैं जो वर्ड करवा रहा हूँ ना, इसको आप सर्च करिएगा, ठीक है ना, आपका प्रीवियस ईयर में हूबहू यही वर्ड मिल जाएगा, 100% ये वर्ड मिलेगा, ठीक है ना, 100%, ठीक है ना, अभी तक डिस वाला वर्ड नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये हु आ जाए, ठीक है, 100% मिल जाएगा, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और भी वर्ड चलेगा, अभी धीरे धीरे पढ़िए ना, फिर न्यूज पेपर का स्पेशल वर्ड आपको करवाया जाएगा, फिर हम आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएशन कि सर प्रोनाउंसिएशन को कैसे सुधारा जाए, ठीक है ना, आराम से पढ़िए, बहुत मजा आएगा, इसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आराम से पढ़िए, ठीक है ना, जिसमें एक दिन में 26 मीनिंग का स्पेशल सेट ही चलेगा उसमें, लेकिन ये सब वो कब आएगा तब ना आपको मजा आएगा, ये सब नहीं आएगा तो बोला समझ ही में नहीं आएगा बउआ। डेमो का ना मतलब बाबू, डेमो का मतलब होता है ना बाबू, डेमो का मतलब पीपल होता है बउआ, क्या होता है, पीपल होता है, ठीक ना बाबू, हाँ। ग्राफी का मतलब साइंस होता है, क्या होता है, साइंस, SCIENC, जिस वर्ड के अंत में ग्राफ या ग्राफी लगा हुआ होता है ना बउआ, वो नाउन होता है, ठीक ना बाबू,
ना। तो डेमोग्राफी कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पीपल और लोगों का विज्ञान, लोगों का विज्ञान मतलब लोग का मतलब लोगों का अध्ययन। तो आप लोगों का भी अध्ययन किया जाता है, आपको पता है सांख्यिकी होता है, स्टैटिक्स समझते हैं बाबू, स्टैटिक्स में आदमियों के बारे में बताया ही उसी के बारे में किया जाता है, यानी कि सांख्यिकी का अध्ययन, यानी जन सांख्यिकी। पीपल माने क्या हो जाएगा, पीपल माने लोग, मतलब जन सांख्यिकी मतलब कि मनुष्य का मृत्यु, मनुष्य के है ना जन्म मृत्यु का अध्ययन, आपको पता होना चाहिए कि 11 साल में शायद स्टैटिक्स का ये जो होता है ना जनगणना समझते हैं, वही हुआ जनगणना। और क्या, अरे जनगणना का दीजिए ठीक है ना, सबसे बढ़िया जनगणना, एकदम सबसे बढ़िया जनगणना। जनगणना में यही ना किया जाता है बाबू कि कितना आदमी जन्म लिया है, जनगणना में वही ना होता है बाबू कितना आदमी जन्म लिया, तो जन्म निकाल लेता है ना तो मृत्यु अपने निकल जाता है, मृत्यु को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ठीक है ना। मनुष्य का जन्म का अध्ययन ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड जनगणना, एकदम सबसे सटीक एकदम मीनिंग निकला जनगणना। मुझे भी याद है का एक आ गया जनगणना ठीक है ना, जनगणना ठीक है बाबू, जनगणना इसी को कहते हैं जनगणना ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है, अगला समझिए बाबू, अगला जो वर्ड है बाबू डिसग्राफिया है बाबू। तो बाबू डिस का मतलब, 2 मिनट, डिस का मतलब बाबू नॉट होता है ठीक है मेरे दोस्त, ग्राफ का मतलब बाबू राइटिंग होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है राइटिंग होता है, WRITING। जिस वर्ड के अंत में आई ए लगा हो रहा है वो नाउन होता है, क्या होता है नाउन। तो डिसग्राफिया का मतलब होता है बाबू क्या होता है, जल्दी बोलो ना, डिसग्राफिया का मतलब होता है बाबू नॉट, नॉट कहने का मतलब अनएबल, क्या बाबू अनएबल, या है ना, तो जो राइट करने में अनएबल हो, जो लिखने में जो क्या हो योग ना हो, यानी जो लिखने में सक्षम ना हो, जो लिखने में सक्षम ना हो, जो लिखने में सक्षम में सक्षम ना हो, में सक्षम ना हो ठीक है ना बाबू। सर तो इसको हम एक चीज कहें सर, इसका मतलब हो सकता है सर नॉट एबल टू राइट, तो इसको एंटो जो हो जाएगा ना यूग्राफिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूग्राफिया, PHI ग्राफिया। यू का मतलब गुड होता है, तुम गुड हो, यू का मतलब गुड, ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है ना, माने अच्छा चीज लिखना ठीक है ना, यूग्राफिया। हालांकि दिया हुआ है इतना निकट इसका नहीं होना चाहिए, काइकोग्राफी का होना चाहिए यूग्राफिया ठीक है ना। कैपिको का मतलब वर्ड होता है, यू का मतलब गुड होता है, एपिग्राफ का मतलब कहते हैं, एपी का मतलब ऑन होता है, ऑन या अपोन किसी भी चीज के ऊपर है ना। ग्राफ का मतलब क्या होता है बाबू, या अमंग, इसी का मतलब अमंग भी होता है ठीक है ना, या अमंग ठीक है ना। ग्राफ का मतलब होता है बाबू राइटिंग ठीक है ना बाबू, मतलब किसी चीज के ऊपर लिखना। ए बाबू मकबरा जानते हैं बाबू, मकबरा, मकबरा जानते हैं बाबू, हाँ मकबरा के ऊपर लिखा रहता है कि ना फलना चिलना दिस दैट लिखा रहता है ना, उसी को कहते हैं बाबू एपिग्राफ ठीक है ना। कहानी समझ में आ रहा है, तो वो उस पर भी लिखा रहता है, या किसी भी तरह का मूर्ति पर लिखा हुआ रहता है ना, बुद्ध भगवान के मूर्ति है तो उसके नीचे नहीं लिखा हुआ रहता है बुद्ध की प्रतिमा ठीक है ना। कोई भी जैसे आप चल जाइए, आपको हम बता देते हैं सोन भंडार में लिखा है बाबू पत्थरवा पर, तो वही एपिग्राफ ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बाबू कि शिला लेख, क्या कहते हैं बाबू शिला लेख। मान लीजिए नहीं समझ में आया बाबू, इसको समझाते हैं, मान लीजिए आपका मोहल्ला में रोड बन रहा है, तो रोडवा बन जाता है बाबू, तो देखते हैं लिखा हुआ रहता है माननीय माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ठीक है ना यह रोड बनाया गया है ठीक है ना, और इसमें उन्होंने 1 लाख का योगदान दिया, 1 करोड़ का, मतलब जहां से फंड रहता है ना, अरे टाइल्स में देखते हैं बाबू टाइल्सवा में इसे करके लिखा रहता है, कोई मंत्री वगैरह उद्घाटन जाता तो फीतवा करता ना बाबू समझे ना, या फिर उसको हटाता ना बाबू, वही रहता रोडवा पर ही सब भरी रहता, लोग घरों में बहुत रहता है ठीक है ना। जो समझ में आया, जियो का मतलब बाबू अर्थ होता है, क्या होता है बाबू अर्थ होता है, ग्राफी का मतलब बाबू राइटिंग होता है, क्या होता है राइटिंग होता है। ए बाबू ये तो ऐसे हो, ज्योग्राफी माने सर बोलिए ना भूगोल ठीक है ना, भूगोल, भू माने क्या होता है पृथ्वी है ना, यानी कि पृथ्वी के बारे में, ये तो बड़ी बढ़िया होगा, अरे यहाँ पे अर्थ क्यों, यहाँ पे स्टडी लिख देता हूँ, स्टडी बढ़िया माने पृथ्वी के बारे में अध्ययन, डेट इज कॉल्ड भूगोल ठीक है। ग्राफ का मतलब बाबू राइटिंग होता है या ड्राइंग होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है राइटिंग होता है ठीक है बउआ, ड्राइंग होता है, ड्राइंग होता है ठीक है, बस
ग्राफ पे हम लोग राइट करते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं, यानी इसका ग्राफ भी कह सकते हैं बाबू, इसका हिंदी डायरेक्ट रेखा चित्र बाबू क्या क्या होता है पता नहीं, ठीक है ना। तो बस आप लोग प्लीज यहाँ तक नोट कर लीजिए, आज कल लेक्चर 3 शुरू होगा और मैं देख लेता हूँ कि कितने लोग लाइव हैं, उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। प्रिंस डेमोग्राफी बराबर एंथ्रोपोलॉजी, हाँ ठीक है बउआ, बहुत बढ़िया, एंथ्रोप मतलब माइन होता है, ठीक है बोले बाबू, देखिए मजा आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रीपोजिशन शुरू आज करूँ या कल करूँ, जल्दी कमेंट कर दिया, बहुत मजा आने वाला है अगर वो शुरू भी करूँगा तो, ठीक है ना। मेरा मन है कि हम कल ही शुरू करें, कल मंडे है ना, ठीक है ना, और कल साथ ही साथ 12 से 1 शायद अनूज सर आने वाले हैं, आप लोग बात कर लीजिए कितने बजे आने वाले हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग एक बार बोल दीजिए, फटाफट बोल दीजिए। प्रिंस बोल रहे हैं आज, और बोलिए प्रिंस, दो लोग और लाइव आने वाले थे, दोनों आज आए नहीं है, ठीक है। आई जी वाइज नहीं प्रिंस बाबू, ठीक है ना, आई जी वाइज नहीं, आई जी बीस या आई जी लाइक नहीं। स्वाति जी कल से शुरू करूंगा प्रॉमिस, ठीक है ना, कल से अच्छे से शुरू करूंगा और बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। पहले थ्योरेटिकल ही पढ़ा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नए अंदाज में होगा, ठीक है ना, बिल्कुल नए अंदाज में, कभी वैसा नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल नए अंदाज में पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 60 क्लास उसका लेकर चलेंगे और अगला 30 क्लास उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस का अलग प्रैक्टिस अति सेट रहेगा और थ्योरेटिक थ्योरी का अलग रहेगा, ना तो एक में कुल करवा देंगे, ठीक है। तो बस आज आप हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, सबको प्रणाम। कल को सब मतलब कल से आप सभी लोगों को बोल दीजिएगा कि सभी लोग लाइव आ जाए।